Hey guys, hello and welcome or welcome back to my channel. In this video, we are going to make gajar ka halwa using only 4 to 5 ingredients. So let's get started. तो पहले मैंने एक कढ़ाई को गर्म करने रख दिया था और उसमें मैंने डाला 4 tablespoon of देसी घी. तो यहाँ पर ना मेरा घी थोड़ा सा जमा हुआ था, तो आपको घी को अच्छे से गर्म करना है. इसके बाद जब घी अच्छे से गर्म हो जाए, तब ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, मतलब अच्छे से मेल्ट हो जाए ना घी, तब आपको इसमें डालना है ग्रेटेड कैरेट. और मैंने यहाँ पे लाल गाजर का यूज़ किया है एंड गाजर का क्वांटिटी है अराउंड 1.5 kilo. अगर आपके पास लाल गाजर नहीं है ना, तो आप ऑरेंज कैरेट का भी यूज़ कर सकते हैं. एंड आपको बस गाजर को इसी तरीके से धीरे धीरे चलाते रहना है और फ्राई करते जाना है. इतना फ्राई करना है जब तक गाजर क्वांटिटी में हाफ हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए. और मैंने ना पूरा टाइम गैस का फ्लेम मीडियम लो ही रखा था, ताकि चलाते टाइम ना गाजर नीचे से ना जले. तो यहाँ पे देखिए, गाजर अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर चेंज हो गया है और क्वांटिटी भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, यानी कि गाजर हमारा अच्छे से पक गया है. अब इसमें हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. इसमें अभी हम लोग डालेंगे दूध, और दूध मैंने लिया है करीब करीब लाइक 500 ml से थोड़ा सा ज़्यादा. तो ये जो कप आप देख रहे हैं ना, ये कटोरा में मैंने 2 कटोरी भर के दूध डाला हुआ था इसमें. और अभी फिर से आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है और दूध का क्वांटिटी को एकदम रिड्यूस करते जाना है. और ये काम भी आपको एकदम लो फ्लेम में करना है. फिर दूध जैसे ही डाला, उसके बाद डाला मैंने इसमें इलायची. सो मैंने यहाँ पे 4 से 5 इलायची डाला हुआ था. अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली बेटर. तो आपको जब तक दूध रिड्यूस ना हो जाए, तब तक आपको लो फ्लेम में ऐसे बीच बीच में चलाते रहना है गाजर के हलवे को. और जैसे ही दूध रिड्यूस हो जाए ना, तब आपको इसमें ऐड करना है शुगर. मैंने यहाँ पे ना आई थिंक 5 tablespoons ऑफ शुगर लिया था, और इसको अच्छे से फिर मैंने मिक्स कर दिया. तो आप देख सकते हैं हमने कितना ज़्यादा दूध डाला हुआ था, और दूध अभी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है. और मैंने यहाँ पे शुगर डाला. शुगर डालने के बाद भी आपको इसी तरीके से चलाते रहना है पैन. और ध्यान रखिए कि आपका गाजर का हलवा ना नीचे से ना लगे, तो इसीलिए आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना पड़ेगा इस तरीके से. तो यहाँ पे देखिए, हम लोग का गाजर का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. आखिरी के थोड़े बहुत जो भी दूध था ना, मैं उसको बस रिड्यूस कर रही हूँ. और मैंने ना इस हलवे में ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला था. अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा घी में फ्राई करके ऊपर से डाल सकते हैं. तो देखते देखते हम लोग का गाजर का हलवा यहाँ पे बन के तैयार है. अभी हम लोग इसको निकाल देंगे एक बोल में, एंड आप इस हलवे को ठंडा या गर्म कैसे भी खा सकते हैं. सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.